बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माय नेम इज़ एहसानुल्लाह। माय टॉपिक इज़ फॉर लूप। व्हाट मीन्स फॉर लूप? फॉर लूप का क्या मतलब है? अ फॉर लूप इज़ अ रिपीटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर दैट अलाउज यू टू इफिशिएंटली राइट अ लूप दैट नीड्स टू एग्जीक्यूट अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स। अगर हम किसी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करना चाहते हैं, इसके लिए हम फॉर लूप इस्तेमाल करते हैं। सिंटैक्स, सिंटैक्स का क्या मतलब है? द सिंटैक्स ऑफ अ फॉर लूप इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज फॉर इनिशियलाइजेशन कंडीशन। सिंटैक्स के हमारे पास थ्री कंडीशन है। फॉर इनिशियलाइजेशन कंडीशन इंक्रीमेंट, इसका मतलब क्या है? फॉर देन ब्रैकेट देन वी इनिशियलाइज देन राइट कंडीशन आफ्टर दैट वी राइट इंक्रीमेंट operator. After that we write the statement. The statement can be from 1 up to n. Flow diagram. Here is the flow of control in a for loop initialization condition increment diagram. Flow diagram ka kya matlab hai? Flow diagram. First initialization happen after that the condition is checked. If the condition is false, the control comes out of the loop body. If the condition is true, the control go into the loop body and execute the statement. After execution of statement, counter variable is incremented or decremented and the same process repeats. हमारे पास एक एग्जांपल है। वी फर्स्ट द हेडर फाइल देन राइट द मेन फंक्शन देन कर्ली ब्रैकेट देन वी डिक्लेयर वेरिएबल हेयर इज वेरिएबल द नेक्स्ट लाइन इज कमेंट। फॉर ए इज इक्वल टू 10, ए लेस देन 20, इंक्रीमेंट मेरे पास क्या है? A is equal to A plus 1. Then we initiate for loop. The result will be as shown on the screen. Result हमारे पास ये है। Thanks for watching.